नमस्कार, मैं हूं आशीष माइकल। आप देख रहे हैं बरेली की आवाज। वेलकम टू टॉक शो। नमस्कार, मैं शिल्पी, बरेली की आवाज में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने बरेली में अपना एक अलग पहचान बनाई है। तो आइए आज हम आपको रूबरू कराते हैं मिस्टर संजीव अग्रवाल जी से। मैं संजीव अवतार अग्रवाल, प्रोपराइटर लाला मुराईलाल श्रीराम ज्वेलर्स, आलमगिरीगंज। सबसे पहले तो मैं बरेली की आवाज का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि एक इतनी अच्छी मुहिम आपने शुरुआत की है, जिसमें बरेली के अच्छे लोगों को जोड़कर उनके बारे में बताकर आप एक्चुअल में हमारी बरेली के लिए एक बहुत अच्छा एक स्वरूप प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैं बरेली में राष्ट्र जागरण व्यापार मंडल से जुड़ा हूँ, साथ ही बाबा त्रिवटीनाथ मंदिर कमेटी की सेवा में हूँ। रोटरी क्लब बरेली का भी मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ और इसके साथ मेरा मुख्य प्रयास ये रहता है कि समाज में जहाँ भी हम लोग की आवश्यकता है, हम लोग अपने एंड से जो भी एक अच्छा कार्य, एक अच्छा स्वरूप हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। तो हमारा बरेली के नागरिक होने के साथ हमारा दायित्व भी बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है, उसको अवश्य हम लोग पूरा करें, ये मेरा प्रयास होता है। सर, आपने जैसे कि बताया है अभी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी सर, ये जो कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में जो मंदी आई है व्यापार मंडल में, तो उसका बरेली पर कितना फर्क पड़ा है, मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जो कोरोना महामारी का एक बहुत गलत समय हमारे देश पर, हमारे शहर पर आया है, मेरा पूरा विश्वास है कि निकट भविष्य में बहुत जल्दी ही ये हम लोगों से ये विपदा दूर होगी। और जब भी कोई महामारी, जब भी कोई संकट इस तरीके का आता है, तो उसमें दिक्कतें होती हैं, उसमें व्यापार भी शिथिल करते हैं, हम लोगों का आवागमन भी शिथिल होता है, दिक्कतें आती हैं। और इस समय तो विशेष रूप से कोरोना का जो एक संकट है, उससे न केवल सराफा व्यवसाय पे, अभी तो जितने भी ट्रेड्स हैं सब पर बहुत गंभीर संकट आया हुआ है। कार्य बहुत शिथिल पड़ गए हैं, कामों में वो रफ्तार नहीं है जो होनी चाहिए। ये एक समय की जो मजबूरी है, तो ये थोड़ी दिक्कत तो है। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि व्यापार से जुड़े जो आपके फ्यूचर प्लान्स हैं, जो आपके आगे का जो प्रोसेस है, वो आपका क्या प्रोसेस है? व्यापार से रिलेटेड तो हमारा पूरा प्रयास रहता है कि गुणवत्ता, शुद्धता, और उससे जब कार्य हम लोग अच्छा करते हैं तो एक विश्वास हमारे आने वाले के मन में रहता है। और आगे भी हमारा यही प्रयास है कि क्वालिटी के हिसाब से बढ़िया ऑर्नामेंट्स हम लोग अपने आने वाले को दें, यही मुख्य बात रहती है। वोकल फॉर वोकल से मेरा तात्पर्य यह था कि जो भी एक स्थानीय स्तर पर जो भी व्यवसाय, जो भी कार्य नवीन पीढ़ी अपना कोई भी माध्यम बनाए, उसमें अवश्य उनको सफलता मिलेगी। और इससे हमारे जो स्थानीय काम करने वाले, उनको भी रोज़गार मिलेगा, यही मेरा एक संदेश मैं देना चाहता हूँ। इसके साथ ही मैं बरेली के अपने सभी भाइयों का, बहनों का, तो ये प्रेरित करना चाहता हूँ कि कोरोना महामारी से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो इसके संबंध में दो तीन मुख्य बातें हैं, मास्क का प्रयोग करना, 2 गज की दूरी रखना, सैनिटाइजर का प्रयोग, इससे हम इस विपदा से काफ़ी अपने आप को बचाव कर सकते हैं। इसको इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस विषय में हम लोगों को गंभीरता से प्रयास करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।